हे गाइस, मैं हूं रणवीर ट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं मूवीज अपडेट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है एमसीयू की मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से। इसकी स्टोरी लाइन एडमेंटियम और टियामेट आइलैंड के अराउंड होने वाली है। टियामेट आइलैंड को सेलेस्टियल आइलैंड इसमें कहा जाएगा। अगली न्यूज है डेयरडेविल बॉर्न अगेन से। इस सीरीज की शूटिंग आज मैनहट्टन में स्टार्ट हो चुकी है। अगली न्यूज है एक्समैन 97 से, जो कि एमसीयू की एनिमेटेड टीवी सीरीज का पार्ट है। इसके पहले दो एपिसोड्स को मार्च 20 को इसके प्रीमियर पर रिलीज कर दिया जाएगा। वहीं एमसीयू की मूवी थंडरबोल्ट्स की शूटिंग इस वीक से स्टार्ट हो जाएगी और इसके सेट वगैरह तैयार हैं। होप सो हमें ये जल्दी देखने को मिलेगी। गाइस, ड्यून मूवी के पार्ट 2 ने अपने पहले ही वीकेंड में 2024 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी वर्ल्ड वाइड का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इसकी टोटल कलेक्शन 178.5 मिलियन हो चुकी है। वहीं फैंटास्टिक फोर मूवी में पहले न्यूज आ रही थी कि सिल्वर सर्फर को फीमेल कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाने वाला था, पर अब कंफर्म कर दिया गया है कि सिल्वर सर्फर को एज अ मेल ही दिखाया जाएगा। वहीं स्पाइडरमैन की न्यू एनिमेटेड सीरीज योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं और सभी 30 मिनट्स के होंगे। वहीं फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा जिसका नाम है हर्बी, जो कि एक रोबोट है और वो फैंटास्टिक फोर के साथ है। इसको प्ले करने के लिए एक एक्ट्रेस को अप्रोच किया जा रहा है। जिनको नहीं पता है कि हर्बी का क्या फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमनॉइड एक्सपेरिमेंटल रोबोट बी टाइप इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक। वहीं क्रिस इवेंस ने हाल ही में रिवील किया है कि उनकी फेवरेट एमसीयू फिल्म जिसमें उन्होंने प्ले करा है वो है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। वहीं वांडा विजन टीवी सीरीज में देखी अगाथा हार्कनेस का कैरेक्टर व्हाट इफ सीजन 3 में भी दिखने वाला है। और लास्ट में वुल्वरीन को प्ले करने वाले एक्टर ह्यू जैकमैन, जो कि जल्दी हमें डेडपूल 3 में दिखने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि सीक्रेट वॉर्स मूवी में वुल्वरीन को प्ले करना चाहेंगे अगर उसमें आरडीजे का आयरन मैन और टॉबी मैग्वायर का स्पाइडरमैन रिटर्न करते हैं। तो ये थी एमसीयू की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट। साथ ही ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें रणवीर ट्यूबर से।